गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में देखेंगे 2023 जनवरी में बेस्ट सेलिंग कार ब्रांड कौन सी रही है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें नंबर 14 पे रही है जीप, जिसने टोटल कार सेल्स की है 769 यूनिट, जिसमें 16% का गिरावट दिखा गया है पहले साल की सेल के मुकाबले। नंबर 13 पे है सिट्रोन, जिसने टोटल सेल्स की है 932 यूनिट्स, जिसमें 3783% का ग्रोथ देखा गया है, क्योंकि पहले साल इसमें सिर्फ एक ही गाड़ी था, इसलिए सिर्फ 24 यूनिट सेल हुआ था पिछले साल। नंबर 12 पे है निसान, जिसने टोटल सेल्स की है 2020 यूनिट। निसान के भी पिछले साल के साथ देखा जाए तो 32.9% का गिरावट हुई है सेल्स में। नंबर 11 में है MG, जिसने टोटल सेल्स की है 4114 यूनिट, जिसमें 4.5% का गिरावट हुई है। एंड नंबर 10 पे है वोल्क्सवैगन, जिसने टोटल सेल्स की है 4709 यूनिट। वोल्क्सवैगन में 27.3% का ग्रोथ दिखा जा रहा है, क्योंकि ये डे बाय डे अपडेट कर रहे हैं अपनी कार को। नंबर 9 पे है स्कोडा, जिसने टोटल सेल्स की है 4788 यूनिट्स, जिसकी पहले साल के मुकाबले देखा जाए तो इस स्कोडा में 48.5% का ग्रोथ हुई है। नंबर 8 पे है रेनोल्ड, जिसने टोटल कार सेल्स की है 6126 यूनिट। रेनोल्ड पे 0.1% का गिरावट आई है, ज़्यादा नहीं है लेकिन 0.1% का गिरावट हुई है। नंबर 7 पे है होंडा, जिसने टोटल कार सेल्स की है 7821 यूनिट, जिसमें 24.9% का गिरावट हुई है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी अच्छा SUV भी नहीं है, इसीलिए इसके सेल्स में डाउन हो रहे हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट में अब सिर्फ SUV ज़्यादा बिक रहे हैं। लेकिन होंडा ने तो सीडान अच्छी है, लेकिन SUV ज़्यादा अच्छा नहीं है इंडियन मार्केट के लिए। नंबर 6 में है टोयोटा, जिसने टोटल सेल्स की है 12835 यूनिट, जिसमें 75% का ग्रोथ देखा जा रहा है। नंबर 5 पे है किया, जिसने टोटल सेल्स की है 28634 यूनिट्स, किया पे भी 48% का ग्रोथ देखा जा रहा है। नंबर 4 पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने टोटल सेल्स की है 33040 यूनिट, जिसमें 66% का ग्रोथ देखा जा रहा है। नंबर 3 पे है टाटा मोटर्स, जिसने टोटल सेल्स की है 47987 यूनिट्स, इसमें भी 18% की ग्रोथ देखा जा रहा है। और नंबर 2 पे है होंडा, जिसने टोटल सेल्स की है 15106 यूनिट, इसमें भी 14% का ग्रोथ देखा जा रहा है। टाटा और होंडा के बीच ऐसा लग रहा है कि टाटा कुछ ही दिन में होंडा को पीछे सोच सकती है और दूसरी नंबर हासिल कर सकते हैं टाटा मोटर्स। और नंबर 1 पे है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी, जिसने टोटल सेल्स की है 147348 यूनिट, इसमें 14% का ग्रोथ देखा जा रहा है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए।